हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी टेट से रिलेटेड कुछ अहम बातें। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप सभी को बेनिफिट्स हो। यहाँ क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे आप सभी के जो है कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कॉमन अंकों को लेकर। और साथ ही फ्रेंड्स, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी प्रशिक्षु का अभी रिजल्ट फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए उम्मीद है कि वो सभी पास होंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही जिन भी प्रशिक्षुओं का रिजल्ट अमान्य के बारे में, अगर आप इन द केस फ्रेंड्स, अगर आप सभी का भी रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा हो जिसमें ओनली जीरो मेंशन किया गया हो टोटल मार्क्स में, या फिर इनवायलेट लैंग्वेज, इनवायलेट सीरीज, या फिर अब्सेंट आप सभी के जो परीक्षा है उसमें शो हो रहा है परिणाम में, तो अब आपका मतलब ये है कि क्या इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, क्या आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट परीक्षा या फिर आप एडमिट कार्ड पे ही देखे रहते हैं कि उस पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप सभी को जो आपका बुकलेट कॉपी है उसको सही से भरना है, अगर आप इसमें कोई त्रुटि करते हैं तो इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप इसमें कोई त्रुटि करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद आप लेंगे और इसका नुकसान आपको ही यहाँ भुगतना पड़ेगा। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आपका ऐसा शो हो रहा है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत ही कम उम्मीदें हैं, हो सकता है आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर एक अप्लीकेशन दें या फिर कोर्ट केस करें। लेकिन देखिए, बेस यही बनाया जाएगा कि पहले ही दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप सभी अगर परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ये स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आपको इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए था, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मेंशन किया गया है। और ऐसा यूपी टेट के बहुत सारे प्रशिक्षुओं के साथ हो चुका है जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, हालांकि फ्रेंड्स उनमें कोई संशोधित वाली बात नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप सभी अगर इनवायलेट सीरीज या फिर कोई और दिक्कत हो रही है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ आपने ABC वाला जो सीरीज होता है आपका बुकलेट सीरीज नंबर आपने यहाँ फिलअप नहीं किया है इस वजह से, या फिर लैंग्वेज वाली दिक्कत में आपने जो आपका संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें से आपने चूज नहीं किया है, इस वजह से आप सभी को इस दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि अब आप देखिए, यहाँ बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आप सभी अब नेक्स्ट यूपी टेट CTET की तैयारी करिए, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, नई शिक्षक भर्ती से पहले आप सभी को बिल्कुल एक बार और एक मौका मिलेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, जिन भी अब देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर कितना अहम होता है आप सभी के लिए, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ये खेल लगता है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ 89 क्वेश्चंस प्रशिक्षु का करेक्ट है, जो कि जनरल कैटेगरी से ये प्रशिक्षु बिलोंग करती हैं, और इनका बस एक नंबर कम है और इनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। अगर वही एक नंबर इसमें ऐड हो जाता, 90 नंबर हो जाता, तो ये नॉट हटके सिंपली क्वालिफाइड हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं एक नंबर क्या, पॉइंट पॉइंट क्या, कितना फ़र्क होता है। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस बात को, इस तथ्य को समझने से इनकार कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रश्नों पर कहा ये जा रहा है कि लगभग 8 नंबर बोनस अंक दिए गए, किसको दिए गए हैं, आप 3 नंबर जूनियर लेवल पर देते हैं, 98 आपत्तियाँ की गई थी, साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे, और लगभग 5 नंबर आप प्राइमरी लेवल पर देते हैं, वो भी 3 नंबर इसमें जिन भी प्रशिक्षकों का इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उन्हीं को मिलने वाला है, बाकी 2 नंबर, ठीक है। अब प्रशिक्षु का यहाँ ये कहना है कि कहाँ मिला है हमें बोनस अंक, हमारे रिजल्ट में तो ऐड ही नहीं हुआ है, जुड़ा ही नहीं है, तो क्या आगे चल के जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सारे सवालों का सबसे पहली बात, जिन भी प्रश्नों पर आपत्तियाँ करी गई थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उन प्रश्नों को ना बहुत ही मतलब होशियारी से उनका जो आंसर है उसमें संशोधित कर दिया गया। अब इसमें 2 तरीके से नुकसान हो गया। सबसे पहले तो उन प्रशिक्षुओं का जो कि जो ओरिजिनल आंसर की था उसमें उन लोगों ने वो आंसर टिक किया था, तो उनका तब सही था, लेकिन जब फाइनल आंसर किया आया
और जब आपने आपत्ति की संशोधित हुआ तो वो आंसर चेंज कर दिया आपने, तो उनका लॉस हुआ। लेकिन यहाँ कॉमन वाली कोई बात ही नहीं हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्नों की बात करें तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूपी टेट के सारे प्रश्नों को आप सभी को बिल्कुल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स में। चैनल के साथ बने रहें, कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को बिल्कुल दी जाएगी और आप सभी के समक्ष कार्य किया जाएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी देखेगी, क्योंकि यहाँ 3-4 नंबर की बात है। आप प्रश्नों को संशोधित आंसर की करके बोलते हैं कि लीजिए आपका ये फाइनल आंसर की है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में आप देख सकते हैं क्या किया गया है। ओनली जो है स्टार न देकर आप सभी के प्रश्नों में, जो कि इसमें भी कहीं ना कहीं आप सभी को स्टार मिलना चाहिए था, अगर वैज्ञानिक के थ्रू पूछता कहीं ना कहीं ये प्रश्न सही होता, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, एक उद्वेलन वाला प्रश्न है जो कि इसमें भी कहीं ना कहीं संशोधन देखने को ही मिला है, जो कि बिल्कुल ये भी आप कह सकते हैं इसमें भी आप सभी को स्टार मिलना चाहिए था। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा, बहुत सारे प्रशिक्षकों का आ रहा है कि ये क्रिशमल वाला जो प्रश्न है उसमें भी आप सभी को स्टार मिलना चाहिए था, क्योंकि 2017 में वो भी विवादित था। सबसे पहले ये 2017 का प्रश्न है जिस पर कोर्ट ने स्टार लगा दिया था सभी के रिजल्ट में, यानी कि एक नंबर सभी को यहाँ कॉमन नंबर प्रोवाइड किया गया था। क्रो और गाल्टन दोनों जो है इसमें करेक्ट होंगे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी जब इस पर आपत्ति की गई तो इन्होंने आंसर को संशोधित करके प्रोवाइड कर दिया। वहीं आँख की किरकिरी होना, इसमें भी जब आपत्ति की गई तो इन्होंने जो है आंसर को संशोधित करके दे दिया, जिस पर आप सभी को बिल्कुल यहाँ स्टार मिलने वाले थे। दो प्रश्न और साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न आप, जो कि कोर्ट ने 2017 में ये दोनों आंसर माने थे, लेकिन इस पर भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है आप सभी को संशोधित आंसर की जारी कर दिए। यानी कि देखिए, अभी भी 3-4 प्रश्न ऐसे हैं और एक नंबर कितना अहम होता है आप सभी को मैंने अभी दिखाया। रही बात मेरिट को लेकर, तो आप सभी को पता ही है कि जनरल प्रशिक्षकों का यहाँ 90 प्रश्न सही होना चाहिए 150 प्रश्नों में से, यानी कि 60%। वहीं ओबीसी, एससी एंड एसटी एंड अदर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ 55% क्वालिफाई अंक आना चाहिए, यानी कि 150 में से अगर आप 82 प्रश्न करेक्ट करते हैं तो आप सभी के यहाँ नंबर मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे आप। अब यही जिनका फ्रेंड्स 89 है, 88 है, 79 है, तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 अंक ओनली मिल जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिनकी नैया पार लग जाएगी। और बिल्कुल ये लीगल तौर पे आप अपनी बात रखेंगे और बिल्कुल जायज़, ये नहीं है कि पीएनपी से ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आप हमारा बोनस अंक दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप अपना हक मांग रहे हैं, तो अभी फ्रेंड्स बिल्कुल भी हम कहेंगे कि उम्मीदें हैं कि आप सभी को कॉमन अंक प्रोवाइड किया जाए। हालांकि एक मामला कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी चल रहा है, जिसके लिए जो रिजल्ट है वो रोका गया है, क्योंकि एक नंबर जो कि कोर्ट का फैसला दिया गया था कि एक नंबर सभी प्रशिक्षकों को कॉमन नंबर दिया जाए, लेकिन अनिल भूषण चतुर्वेदी जी उससे भी पीछे हट रहे हैं। 3-3 बार उनको अवमानना की नोटिस जारी की गई, फिर से उनको कोर्ट में तलब किया, फिर वो जवाबदेही हुए, फिर भी अभी तक ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। हालांकि उम्मीद फ्रेंड्स, देखिए कयास लगाया जा रहा है कि चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आप सभी का जो है फैसला आपके हक में होगा, लेकिन उसके लिए यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहेंगे जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाया है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा क्या दिक्कत आ रही हो आपको, ठीक है, बिल्कुल सोल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं आप सभी तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को लिए ही बेनिफिट्स होगा। और जिन भी प्रशिक्षकों का यहाँ यूपी टेट क्लियर हो चुका है, आप सभी अच्छे से नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। रीट की भी आप सभी की भर्ती जल्दी आने वाली है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।